नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजीव यादव। इस समय हम मौजूद हैं अशोक नगर की कृषि उपज मंडी में। इस मंडी में हमारे साथ यहां की गेहूं के फेमस व्यापारी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इस समय गेहूं की कितनी आवक हो रही है और क्या दाम चल रहे हैं। तो पहले तो आपका मार्केट टाइम्स टीवी में बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। समय गेहूं की क्या स्थिति चल रही, कितनी आवक अराइवल? लगभग 25,000 बोरी, 30,000 बोरी की अराइवल चल रही है अभी। अराइवल बीते सप्ताह कम थी, लेकिन अब क्योंकि शादी ब्याह थे इसलिए अराइवल नहीं आई थी, अब अराइवल बराबर आ रही है। कितने दिनों से बढ़ा है एकदम? ये इस हफ्ते, इस वीक में दिनों दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हाँ, अच्छा, कौन कौन सी क्वालिटी की आवक हो रही है यहाँ? तो उच्च स्तर का गेहूँ पैदा होता है हमारे यहाँ, हमारा अशोकनगर में फेमस है अशोकनगर का गेहूँ, और वैरायटियाँ काफी आती हैं। सरबती आती है, आपकी अर्षता आती है, 1544 भी बहुत आती है, और 4037 भी बहुत आती है, और बहुत अच्छे दामों पे बिकती है। अच्छा, दाम की बात करें तो वर्तमान समय में क्या दाम चल रहे हैं? वर्तमान समय में दाम अच्छे चल रहे हैं, किसान को बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। और सरबती गेहूँ का क्या दाम है? सरबती गेहूँ न्यूनतम ये समझ लीजिए आपके 3200 रुपए न्यूनतम बिक रही है, और ऊपर बिक रही है 4500 रुपए। इसी तरह से जैसे आपने 3740 बताया, उसका क्या दाम होगा? 3740 नीचे में बिक रही है आपकी 2400 रुपए, ऊपर में बिक रही है 2800 रुपए। एक और वो मिनी सुजाता आती है, उसका क्या दाम चल रहा है? वो एक्चुअली सरबती की वेरायटी है, 3300 रुपए से लेके 4700 रुपए का जो भाव है उसमें सारी वेरायटियाँ सरबती की आ जाती है। अच्छा, उसी के जी 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 जी। तो सबसे हाईएस्ट इस समय क्या दाम चला है फिलहाल देखा जाए? 4800 कुछ रुपए कल माल बिका था। आवाज तो अभी तो ऑक्शन शुरू हुआ है, शाम बाकी है, देखते हैं क्या भाव बिकता है। अच्छा, जैसे शादी विवाह का सीजन चल रहा था उस समय थोड़ी कम आवक हो रही थी, जी जी। तो उस समय से दाम में कुछ परिवर्तन हुआ है? नहीं नहीं, दाम सेम है, दाम बल्कि बढ़ के ही बिक रहे हैं, दाम घट के नहीं बिक रहे। कितना अंतर आया? कम से कम नहीं तो 400 रुपए का अंतर आया। जो अर्षता 2600 रुपए बिक रही थी वो अर्षता 3000 रुपए बिक रही है, तो इससे हमें लगता है कि 400 रुपए का अच्छा भाव मिल रहा है। ऐसा देखा जाता है, किसानों का कहना रहता है कि जब अधिक भीड़ भाड़ हो जाती है तो यहाँ पर फिर कुछ दाम में गिरावट होती है। नहीं नहीं, ये सोचना गलत है, क्योंकि आजकल सारा माल सोटेक्स क्लीन बिकता है, और अशोकनगर में कम से कम 17 सोटेक्स हैं, एक आटा मिल है, तो प्लांट काफी है, इसलिए भाव कम होने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सी किस्म वाला रहता है जो अच्छे दाम मिलते हैं? आप बता रहे हैं कि यहाँ पे ये अच्छी मंडी है। सरबती बहुत ज्यादा होती है हमारे, सरबती जी। अनुमानित कितना परसेंट रहता है सरबती? तो अगर गेहूँ का 100% में देखा जाए तो 60% सरबती होती है। 60 ना माने तो हम 50% तो मान सकते हैं, 50% सरबती होती है, 30% 1544 होती है, 15-20% आपकी 4037 होती है, तो सब तरीके का गेहूँ होता है हमारे यहाँ। अच्छा, इसमें आगामी समय में इसके भाव को लेकर क्या कहना है आपको? उछाल आएगा, गिरावट होगी, किस तरह की? इसमें देखिए, गेहूँ अगर देखा जाए तो गेहूँ कम है इस बार। लगता है अपने को 30,000-35,000 बोरी माल आता है, बाकी इस बार सरसों की बिजाई और चने की बिजाई बहुत ज़्यादा हुई है, तो कहीं ना कहीं जमीन का रकबा घटा है। जमीन तो वही है, अब उसमें गेहूँ भी, चने भी बो सकते हैं, सरसों भी बो सकते हैं, मसूर भी बो सकते हैं, तो इन चीज़ों का रकबा ज़्यादा बढ़ा है अपेक्षाकृत गेहूँ की, तो गेहूँ का परसेंटेज घटा है। बिजाई ठीक है, क्वालिटी ठीक है, और पैदावार ठीक है, लेकिन रकबा घटा। अच्छा, इसका इस बार गेहूँ का रकबा घट गया जी, तो क्या कहेंगे इसके आगामी समय में दाम गिर सकते हैं, बढ़ सकते हैं? इसमें गिरने की संभावना कम दिख रही है मेरे को, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी माल नहीं है। गवर्नमेंट, हालांकि पंजाब में बहुत अच्छी खरीदी कर रही है गवर्नमेंट, जैसे यूपी में आपने सुना होगा कि यूपी सरकार ने वैन लगा दिया था, और उन्होंने सीधा बोल दिया था कि पहले कांटों पे माल तोलेगा, जब गवर्नमेंट की पूर्ति हो जाएगी उसके बाद मंडी में माल आएगा। तो इस तरीके की जो बातें हैं सुनी है, उससे हमें ये लगता है कि गवर्नमेंट के पास माल नहीं है, और गेहूँ में बाजार बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। कितना? जैसे वर्ल्ड वाइज भी यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, उससे भी बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है। अच्छा। जो हमारे पास जो इम्पोर्टेड आयातित माल जो आता है उसके भाड़े में कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि जहाज जो शिपमेंट जो लगते हैं वो घूम के आ रहे हैं बमबारी की वजह से,
तो बाजार तो वो आयातित गेहूँ भी तेज पड़ रहा है, तो उससे हम लोग लगता है कि गेहूँ में बाजार दबेंगे नहीं, गेहूँ में बाजार बढ़ेगा। यहाँ पे जो आवक हो रही है आगामी समय में आवक इसी तरह से रहेगी, कुछ कम ज्यादा होगी? नहीं नहीं, आवक तो ये तो देखो क्या है कि आवक का ही टाइम है, तीन महीने तो ढाई तीन महीने पैरेलल यही चलती है, उसके बाद धीरे धीरे कम होती जाती है। अच्छा, फिर धीरे धीरे कम जी। लेकिन दामों की बात करें तो वो इसी तरह से रहने का? दाम तो बढ़ेंगे, दाम आज मील क्वालिटी हमारे यहाँ 2350 रुपए मील क्वालिटी बिक रही है, इसका हमारा अनुमान है कि कम से कम 2650 रुपए 2700 रुपए मील क्वालिटी हो जाना चाहिए। ये मील क्वालिटी? मील क्वालिटी। और जो अच्छी सरबती क्वालिटी? अच्छी सरबती तो चूंकि खाने में जाती है तो वो एक नजर का खेल रहता है, और वो तो अपने स्तर पर बिकती रहती है और ये बिकती रहेगी, इसमें ज्यादा वो नहीं रहता क्योंकि ये ग्रेडिंग वाला आइटम है और नजर से देखने वाला आइटम है, तो इसमें तो ऑलरेडी पहले से ही तेज चलते हैं बाजार, इसमें जो है वो चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो मतलब ये है कि इसके इस बार अच्छे दाम मिलने वाले हैं। अच्छे दाम मिलने वाले। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।